आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम बात कर रहे हैं देश के उन वर्कर्स की जिन्हें ना ही सरकार ने और मेन स्ट्रीम नैरेटिव ने कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो ICDS सेवाओं से देश भर में जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों वर्कर्स की और उनके लिए सरकार ने क्या किया है और किस तरह का बजटरी एलोकेशन भी किया गया है। एक बात जरूरी ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो खासकर की महिलाएं हैं वो फ्रंट लाइन पर देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोरोना के काल में लगातार काम करती रही हैं और अभी भी काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ उन्हें लगातार कितने ज्यादा प्रोटेस्ट करने पड़े हैं, सड़कों पर उतरना पड़ा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार उतरना पड़ा है ताकि सरकार उनकी डिमांड्स को सुने। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं AR सिंधु जी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कितनी संख्या में पूरे देश भर में ये एक काफी सब्सटेंशियल वर्कफोर्स है जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, और फिलहाल उनकी क्या हालत है? ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, जो भारत का या पूरा दुनिया का जो एक कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो योजना है, और ये पूरे भारत के अंदर 13 लाख से ज्यादा, 14 लाख के करीब आंगनवाड़ी केंद्र है जो गांव के अंदर और शहर में है, और एक एक केंद्र में जो एक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, तो करीब इसमें जो वैकेंसी के भी मिला के जो 26 लाख से ऊपर जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है पूरे देश में काम कर रहे हैं, और ये 8 करोड़ बच्चों का जो 6 साल से कम उम्र के हैं उनका, और जो करीब 2 करोड़ माओं का जो गर्भवती औरतें हैं और जो दूध पिलाने वाली माँ है, इतने लोगों को उनका कुपोषण और उनका हेल्थ फैसिलिटीज को ये देखते हैं। तो ये जो ये स्कीम जो है पूरे भारत के लिए बहुत अहम है, जहाँ जो आधे बच्चे जो कुपोषित है, और ये भी नहीं पूरे दुनिया के जो कुपोषित बच्चों में आधे हमारे देश में है, तो इतनी एक महत्वपूर्ण योजना है। और लेकिन ये 45 साल से ऊपर हुआ है ये योजना का, तो लेकिन अभी तक भी इसका जो महत्व को और जितना इसके लिए जो बजट है और इसके लिए अलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये भी अभी जो पिछले सालों का हम देखेंगे तो काफी जो जनता का, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का मूवमेंट का, इसको मजबूत करने के लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ है, और जो राइट टू फूड का जो कानून बना है इसके तहत कुछ सुधार इसमें हुआ था और कुछ बजट का बढ़ोतरी का भी गुंजाइश हो रहा था। तो लेकिन अभी ये जो बीजेपी का जो सरकार 2014 से आए हैं, तो जो धीरे से, बहुत धीरे से ही सही थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा कटौती हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट जो है फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है, उसमें 2014 से 2019 तक में हमारे देश का जो कुपोषण स्तर में, उसके पहले का दर में जो कम हो रहा था जो कुपोषण, तो या तो वो स्टैग्नेंट हुआ है और बहुत सारे राज्यों में ये कुपोषण बढ़ गया है। और ये जो कोरोना काल में भी हम देखेंगे तो इवन यूनिसेफ ने चेतावनी दिया था कि वैसे ही हमारे 6 साल के अंदर के जो बच्चे, हर साल करीब 8 लाख के करीब बच्चे हमारे कुपोषण से उनका मौत होता है। और ये साल में अगर हम लोग पूरा इसके अंदर देखभाल नहीं करेंगे, इंटरवेंशन ज्यादा नहीं करेंगे, तो इसमें और 3 लाख बच्चों का ये 6 महीने के अंदर में और मौत हो जाएंगे, ये चेतावनी भी दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कोरोना काल में भी जो बजट में या इसको कुपोषण के लिए जो सरकार ने बड़ा पैकेजेस का घोषणा किया है, एक पैसे का भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और इस बजट के अंदर में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये कोरोना काल में जो है कुपोषण बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है, और उसका एक तो ये बहुत बड़ा पहलू है, ये पूरे देश के सामने सवाल है। और जहां आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का बात है, तो ये कोरोना काल में उनको एक तो कुपोषण से लड़ने के लिए जिम्मेदारी दिया है, घर घर में इनका जो रेशन है
ड्राई रेशन लोगों का घर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी था। वो 50-50 किलो का जो वजन अपने सर में लेके जाना पड़ रहा था कि इनको गांव गांव में घर घर में। और दूसरा है ये कोरोना में जो आशा वर्कर के साथ में इनका ड्यूटी भी लगाया हुआ है उसके लड़ने के लिए और लोगों को हॉस्पिटल जाने का और इनको मॉनिटरिंग करने का ये सारा दिया था। तो ये अपने जो जान पे भी खतरा हुआ था लेकिन ये पूरा फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के नाते ये काम किया है। और बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का इस दौरान जो कोरोना से भी मौत भी हुआ है लेकिन इनका जो काम का कोई रिकग्निशन नहीं है। ये तो ये है न्यूनतम वेतन से बहुत कम इनको मिलता है और ना रिकग्निशन। अभी जो ये लेबर लॉस भी हुआ है चेंज जो है बोल रहे कि सबको हमने सुविधा दिया है जहां तक सारे जो अधिकार है उससे वंचित किया है सारे पूरे मजदूर वर्ग को। लेकिन ये घोषणा तो कर रहे हैं हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी कर रहे हैं लेकिन कोई भी श्रम कानून के अंदर में ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर समेत कोई भी योजना कर्मियों का जो स्कीम वर्कर्स का बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया गया है जी। और इनका जो है कोरोना काल में भी कोई भी पैसे का या इवन सुरक्षा किट का या कोई प्रावधान भी नहीं किया है जी। तो डबल ड्यूटी जो है आंदोलन में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो डबल ड्यूटीज करती रही हैं, एक्स्ट्रा काम उन्होंने किया है और उसका क्या नतीजा आया है, सरकार ने उसका कितना रिकग्निशन किया है, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि बजट में जो आउटलेज थे वो कुछ 900 करोड़ से ज्यादा रकम जो थी वो राशि थी जो सरकार को देना है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। तो अभी बजटरी अगर हम एलोकेशंस की बात करें, कुछ नंबर्स की बात करें, तो सबसे पहले ये सवाल है कि अभी उनको जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी कहीं पर भी, और कितना कितना ज्यादा आउटले है, और साथ ही बजट में सरकार ने क्या बोला है आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर के और ICDS की स्कीम्स को लेकर के। अभी अब देखिएगा कि ये पिछले कुछ सालों में जैसे हमने बोला 2014 में जो सबसे पहले मोदी सरकार जो जब उन्होंने वादा तो किया था 2014 का चुनाव में भी हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी उनका वेतन में भी बढ़ोतरी करेंगे और ये स्कीम को बहुत अच्छा मजबूत करेंगे, ये दोनों उनका चुनावी घोषणा पत्र में वादा था। लेकिन आते ही पहले पूर्ण बजट में उन्होंने बहुत ड्रास्टिक जो है कट किया था, 10,000 करोड़ रुपए का कटौती किया था और बहुत बड़ा आंदोलन के बाद में उसको कुछ हद तक हमें रीइंस्टेट करवा पाया है। और इस बीच में बहुत बड़े आंदोलन हुआ है और 2017 में उन्होंने इसमें पोषकाहार के लिए जो अलोकेशन है जो पर चाइल्ड का उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करके घोषणा किया। और 2018 सितंबर में बहुत बड़ा किसान मजदूर का रैली दिल्ली के अंदर में CHU किसान सभा मजदूर यूनियन ने मिलकर किया, उसके बाद में उन्होंने ये वेतन में बढ़ोतरी का भी घोषणा किया था जो 1500 रुपए का महीने का आंगनवाड़ी वर्कर का और उसका आधा आंगनवाड़ी हेल्पर का। लेकिन ये जो एक घोषणा तो हुआ है लेकिन एक्चुअल बजटरी एलोकेशन हम देखेंगे ये 2018 के बाद में 2019 का बजट भी देखेंगे जो ये घोषणा किया हुआ है उसके लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो बजट का आवंटन में बढ़ोतरी नहीं किया है। और इसको चलते हुए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जो बहुत सारे जगह में अभी भी आप देखेंगे कि या तो खाने के लिए जो पोषकाहार के लिए पैसा है वो आ नहीं रहा है, 6 महीने तक आ नहीं रहा है, कभी ड्यूस आते हैं तो फिर आगे के लिए भी अपने जेब से ही खर्चा करना पड़ रहा है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को। और ऐसे ही है कि वेजेस का सवाल भी है, जितना कम जो ऑनरेरियम मिलता है जो इसको ऑनरेरियम वो लोग सरकार बोलते हैं ये वेज भी जो है बिल्कुल टाइम में नहीं मिलता है और कभी बहुत बार जो है केंद्र सरकार का हिस्सा है उसमें नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति है अभी। और इस बजट का जो आप आंकड़े देखेंगे जो पिछले बजट का घोषणा था कि 28,557 करोड़ रुपए का जो था बजट में जो प्रपोज्ड बजट एस्टिमेटेड बजट था, लेकिन ये जो कोरोना के चलते हुए भी और ये पूरा बड़ा प्राइम मिनिस्टर खुद देखभाल करने वाले न्यूट्रिशन मिशन है ये सारा घोषणा के ऊपर में भी उनका जो एक्चुअल खर्चा जो है वो 20,000 करोड़ में कम हुआ है। और अभी जो बजट है इस बार के बजट है वो हम लोग बार बार मांग रहे हैं, इतना बड़ा यूनिसेफ का भी चेतावनी है तो ये बजट का अलोकेशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक्चुअली और 20,000 करोड़ में ही ये रखा है,
इसका मतलब है कि इन एक्चुअल्स में 8452 करोड़ का कटौती हुआ है इस बजट में पिछले जो एस्टिमेशन के मुताबिक। तो ये एक जो बड़ा, ये तो सिर्फ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का जो अपने अधिकार का सवाल नहीं है, ये देश का भविष्य का सवाल है कि ये जो कुपोषण का दौर में जो जन बच्चे का जो पूरा विकास है उसका 80% मानसिक और शारीरिक विकास का जो बेस बनता है 6 साल के अंदर बनता है, और उसमें अति कुपोषित बच्चे ज्यादा हो रहा है, बच्चों का मौत हो रहा है, तो इसमें हमारा देश का भविष्य का भी सवाल है कि इस स्कीम को पूरा नजरअंदाज किया है और जो घोषणा किया हुआ है वो भी लागू करने के लिए आवंटन नहीं है जी, ये स्थिति है। और अभी किस तरह की फिर डिमांड्स जो है यूनियंस पूरे देश भर में उठा रही हैं, और आगे हम क्या देख सकते हैं कि किस तरह का मैसेज जाएगा सरकार को ये अनदेखी करने के लिए? कि अभी जो है हमारी जो मांगे तो पहले से ही उठा रहे हैं, इसको पक्का, दिस इज अ स्कीम जो एक जो है, जब तो 5 ईयर प्लान था कि 5-5 साल में इसको रिन्यू करते हैं, और अभी प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा तो ये 1-1 साल में या 1.5-1.5 साल में ही इसको रिन्यू कर रहे हैं, माने कि इसका ही ये जो पूरा योजना का ही भविष्य है वो खतरे में है। और उसके और ये भी नहीं, इन एडिशन टू दैट कि अभी जो है इसके अंदर में प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा खतरा है, और अभी भी पिछले महीने में भी बिल गेट्स के साथ में और अनिल अग्रवाल जो वेदांता का है उनके साथ में मिनिस्टर ने मीटिंग करके बताया कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है जिसका टैक्स देना है वो टैक्स नहीं देते हैं और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और वो सरकारी पैसा अपने वसूल करने का है। यहाँ पे जो खतरा है, इट इज अ राइट बेस्ड स्कीम, जनता का जो अधिकार है उसको एक चैरिटी के तौर पे बदलने का, जो जनता का अधिकार नहीं है कोई पूंजीपति का चैरिटी है, तो इस तरीके से ये बेसिक हमारा एतराज है इसमें। और डिब्बा बंद खाने का जो है, पैकेट फूड में लाने का भी कोशिश है, फोर्टिफाइड फूड वो भी है मल्टीनेशनल्स के जरिए लाने का भी कोशिश है, कैश ट्रांसफर का भी कोशिश है, इसके खिलाफ में इसको एक पक्का जो पूरा डिपार्टमेंट और ये पक्का ये योजना को ये विभाग में बदलने का हमारा डिमांड है, बुनियादी हमारा ही नहीं पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, विमेन्स मूवमेंट का, फूड राइट टू फूड अभियान का, ये सबका डिमांड है। तो ये एक है उसमें, उसके लिए पर्याप्त आवंटन का। और जहां वर्कर्स की सवाल है कि पूरे महिलाएं हैं और ये महिला का जो है हाउसवर्क का एक्सटेंशन इसको दिखाते हुए कि चाइल्ड केयर है, ये एंटायर केयर वर्क जो है इसका जो है, इवन हमारा CITU का भी ये डिमांड है और जो आंगनवाड़ी फेडरेशन का भी ये डिमांड है कि ये पूरे केयर वर्क को हमारे GDP के हिस्से में गिनना चाहिए, और ये खुद सरकार इसका एक शोषण कर रहे हैं इतनी बड़ी महिलाओं, और महिला बाल विकास डिपार्टमेंट खुद ही महिलाओं का इतना बड़ा शोषण कर रहे हैं। तो इनका जो अधिकार है जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी माना है कि इनको रिकग्निशन होना चाहिए वर्कर्स का, और न्यूनतम वेतन और पेंशन समेत सारे जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो हमारे अर्थशास्त्री लोगों ने कैलकुलेट किया है, और ये सारा जो इसके लिए, और इसके लिए बड़ा पैमाने पे हमारा लड़ाई तो हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का, इस बजट के खिलाफ में भी पूरा अभियान चला के हम आने वाले दिनों में करेंगे, और बाकी योजनाओं का भी ऑलमोस्ट जो मिड डे मील स्कीम हो या नेशनल हेल्थ मिशन हो, या ऐसे ही स्थिति है तो पूरे योजना कर्मियों का भी एक बड़ा अभियान हम लोग ले रहे हैं, पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट का भी जो डिमांड है, जो हड़ताल का डिमांड में भी एक तो मुख्य डिमांड यही था कि ये वर्क का जो रिकग्निशन है और ये लेबर लॉस में जो बदलाव लाया है उसके खिलाफ में, तो ये तो एक जो लेके आने वाले दिनों में बड़े अभियान करेंगे। और इस 8 मार्च को CITU ने ये निर्णय लिया है, ये महिला दिवस है, कि और महिला का जो श्रम है, द रिकग्निशन ऑफ विमेन एज वर्कर्स एंड पर्सन, तो वो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। ये किसानों का इसमें भी हमने देखा है कि वो काम तो खेती में भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं, और ये अनपेड वर्क जो है और रिकग्निशन, ये इसको लेके हम बड़ा एक मूवमेंट करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, और उसमें ये मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा मुख्यतः रहेगा, और यही, और इसका जो समर्थन भी, ये जो राइट ऑफ द चाइल्ड फॉर फूड हेल्थ एंड एजुकेशन, इसमें ये भी जोड़ के हम जनता का एक बड़ा मूवमेंट बनाने का कोशिश करेंगे जी।
और इसी नोट पर कि किस तरह से आंगनवाड़ी और आईसीडीएस का जो भविष्य है वो खतरे में है और प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई किस तरह से चल रही है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए और खासकर की बजटरी एलोकेशंस के बारे में हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आगे भी न्यूज क्लिक इस स्कीम के भविष्य के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के अटेम्प्ट्स पर लगातार रिपोर्ट्स दिखाता रहेगा। Thank you.